नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रमुख दिवस और थीम। मैं आपको जनवरी और फरवरी महीने के प्रमुख दिवस और उनकी थीम ऑलरेडी करा चुका हूं। आज हम मार्च महीने के प्रमुख दिवस और उनकी थीम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक मार्च को क्या आता है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मतलब शून्य भेदभाव, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। ये दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वोमेन एंड गर्ल। तो औरतों और लड़कियों के से भेदभाव बिल्कुल शून्य हो, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट आता है आपका 3 मार्च। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य दिवस। विश्व वन्य मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जंगली जानवरों वाला। तो इसकी थीम है आपकी सस्टेनिंग आर लाइफ ऑन अर्थ। नेक्स्ट 3 मार्च को एक डे और मनाया जाता है, वर्ल्ड हियरिंग डे। हियरिंग मतलब जो सुनना होता है, ठीक है। और उसकी थीम जो है, थीम क्या है उसकी? हियरिंग फॉर लाइफ, लाइफ के लिए सुनना। डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू, अपने सुनने की लिमिट को कम मत करो, ठीक है, खो मत, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट आपका आ जाता है 4 मार्च। 4 मार्च को क्या बनाया जाता है? नेशनल सिक्योरिटी डे मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम है एनहेंस हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस बाय यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट आपका है 7 मार्च। 7 मार्च को क्या मनाया जाता है? जन औषधि दिवस। जन औषधि दिवस यह 1 से 7 मार्च के बीच मनाया जाता है और वैसे इस बार जो है 7 मार्च को मनाया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इंटरनेशनल वोमेंस डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और इसकी थीम जो है वो आपको जरूर याद रख लेनी है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वोमेंस राइट, मतलब वोमेंस के राइटों को रियलाइज कराने के लिए, ठीक है। तो ये इसकी थीम है। नेक्स्ट है आपका 10 मार्च। 10 मार्च को आपको 51वां CISF रेजिंग डे बनाया गया है CIF के लिए। CISF की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। ये आपको ज़्यादातर एयरपोर्ट वगैरह पे या मेट्रो स्टेशन पे ज़्यादातर आपको ये मिलती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है 12 मार्च। 12 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे। वर्ल्ड किडनी डे की फुल थीम क्या थी? किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर फ्रॉम प्रिवेंटेशन टू डिटेक्शन एंड इक्विटेबल अक्रॉस टू केयर। तो ये आपको याद रखना है, किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, ये इतना याद रख लोगे तो आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है 13 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड स्लीप डे, विश्व सोना दिवस, ठीक है, जो सोते हैं। नेक्स्ट इसमें जो थीम है बेटर स्लीप, अच्छा सो, बेटर लाइफ, अच्छी लाइफ रहेगी और बेटर प्लानेट, ठीक है। तो बेटर प्लानेट रहेगा, आपकी अच्छी लाइफ रहेगी, अच्छा सोना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है 14 मार्च, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, ठीक है। तो इसकी थीम क्या है आपकी? मैथमेटिक्स ऑफ एवरीवेयर, मैथमेटिक्स जो है वो हर जगह होना चाहिए। ये 14 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका 15 मार्च। 15 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, विश्व मानव अधिकार दिवस, ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है। तो मतलब इसकी थीम है सस्टेनेबल कंज्यूमर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका 16 मार्च को क्या मनाया जाता है? नेशनल वैकेशन डे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है 18 मार्च को मनाया जाता है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस। इसकी थीम है हैज रिसाइकलिंग हीरोज। नेक्स्ट आपका आ जाता है 20 मार्च। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस। इसकी थीम है हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 मार्च। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गोरैया दिवस, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका आता है 21 मार्च। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। और इसकी थीम क्या है?
थीम है इसकी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट 21 को ही दूसरा डे मनाया जाता है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, इसकी जो थीम है वो है वी डिसाइड इसकी थीम है। नेक्स्ट आपका आ जाता है 22 मार्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे इसकी थीम है वाटर एंड क्लीमेट चेंज। नेक्स्ट आपको आता है 23 मार्च, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, विश्व शहीद दिवस। इस दिन शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, इसलिए मनाया। वैसे जनवरी के 30 जनवरी को भी शहीद दिवस बोलते हैं, क्योंकि उस दिन जो है महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, पर जो है असली जो है जो बोला जाता है शहीद दिवस, ये 23 मार्च को ही बोला जाता है। नेक्स्ट 23 मार्च को एक डे और आता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, इसकी थीम है क्लाइमेट एंड वाटर, लगभग जल दिवस की और इसकी सेम सी थीम है, ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन में नहीं होना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है 24 मार्च को क्या है वर्ल्ड ट्यूबरकुलेसिस टीबी डे, जो टीबी होता है ट्यूबरकुलेसिस, तो इसकी थीम है इट्स टाइम। तो अब हम कुछ क्वेश्चन से ले लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक, 1 मार्च। 1 मार्च को शून्य जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है, थीम जीरो वही है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल। नेक्स्ट आपका हाल ही में वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या है? थीम वही है सस्टेनिंग आर लाइफ अर्थ। 3 मार्च को यह मनाया जाता है, हर 3 मार्च को एक डे और मनाया जाता है, कौन सा? वर्ल्ड हायरिंग डे, ध्यान रखना, उसकी थीम है हेयरिंग ऑफ फॉर लाइफ डोंट लोज। नेक्स्ट आपका हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम है एनहेंस हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस बाय यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, इसकी थीम आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, मैंने ऊपर आपको बताया था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डे है ये, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है, इसकी भी थीम आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो जन औषधि दिवस जो मनाया जाता है वो 7 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इस दिन क्या था, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य कम दामों पर मिल सकने वाली जेनरिक दवाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। पहला जनऔषधि दिवस जो मनाया गया था वो 7 मार्च 2019 को ही मनाया गया था, तो 2020 में दूसरा मनाया जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड की जा सके। धन्यवाद।